सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया विपक्ष पर वार, बोले बड़े वादे वालों का ये आखिरी चरण। ममता सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दावा, बोले पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है टीएमसी। ओडिशा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, बोले जल्द यहां बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने किया कटाक्ष, बोले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दिखती है मुस्लिम लीग की छवि। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर लगाया संविधान की मूल भावना के हनन का आरोप, बोले विपक्ष ने वोट बैंक के लिए संविधान को गिरवी रखा। आज झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी रैली, सीता सोरेन के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। आज बंगाल के जाधवपुर और बारासात में भी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सभा को करेंगे संबोधित। आज उत्तर कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आज वाराणसी में राहुल और अखिलेश यादव करेंगे रैली, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज वाराणसी में केजरीवाल और तेजस्वी यादव भी करेंगे रैली, राहुल और अखिलेश की सभा में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया बड़ा बयान, कहा 4 जून के बाद जाने वाली है खड़गे की नौकरी। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। अमित शाह ने किया दावा, कहा 5 चरण में एनडीए जीत चुका 310 सीटें, राहुल गांधी नहीं जाएंगे 40 सीटों के पार। राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। अमित शाह ने लगाया आरोप, कहा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो ये राम मंदिर पर लगाएंगे बाबरी ताला। खाने के टेबल पर राहुल तेजस्वी और मीसा ने की गपशप, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में बताया नर्वस। पीएम मोदी को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा संथाल परगना में 10,000 एकड़ जमीन पर बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा। बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी चेतावनी, कहा आदिवासी मुसलमान हो गए हैं तो लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी होगा। राहुल गांधी ने सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना खत्म करने की कही बात, बोले अग्निवीर में जवानों को मजबूर बना दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश में भ्रम फैलाना बंद करें। तो मैं बताना चाहता हूं, भय और भ्रम फैलाना बंद करें, देश के युवा जागरूक है, 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर में। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी को दी सलाह, बोले पहले फौज में नौकरी करो और फिर फौज पर बात करो। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बताया अपनी मां पर बोझ, बोले राहुल गांधी ने तो आर्मी हो सकते थे ना तो अग्निवीर।